लखनऊ के नव निर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल ने ली शपथ। इसके बाद उन्होंने पार्षदों को दिलाई शपथ। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में शुक्रवार 26 मई को शहर की सरकार ने शपथ ग्रहण कराना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में कमिश्नर रोशन जैकब ने भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल शपथ ग्रहण करवाया। इसके बाद मेयर ने भी पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए हम लखनऊ की जनता का आभार व्यक्त करते। उन्होंने कहा कि पिछले 32 वर्षों से लखनऊ की जनता का बीजेपी पर विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो पौधा लगाया था, आज लखनऊ के रूप में वो विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है। लखनऊ को देश के बेहतरीन शहरों में से एक बनाएंगे, साथ ही मौजूद लोगों को से स्वच्छता के प्रति सभी को शपथ दिलाया। उन्होंने कहा कि चार प्रतिज्ञाओं के साथ हम और हमारे पार्षद साथी काम करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सिंह, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, विधायक नीरज बोरा, विधायक आशुतोष टंडन, कमिश्नर रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार, सुरेश तिवारी, विशाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्षद कामरान बेग, पार्षद मुसाविर अली मंशू, पार्षद अनूप कमल सक्सेना, पार्षद हिमांशु अम्बेडकर, पार्षद सुशील तिवारी पम्मी, पार्षद अरुण कुमार राय और गौरव सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात कर अपने वार्डों की मूलभूत समस्याओं को दूर कर और ज़्यादा बेहतर किस प्रकार बनाया जाए इसके बारे में जानकारी दी। सरकार मित्र, फोटोग्राफर मित्र, सभी कार्यकर्ता भाई बहन, लखनऊ मंडल की कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम की पूरी टीम, सबसे जो अभूतपूर्व आशीर्वाद हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने सभी नव निर्वाचित आभार क्या होगा, हमारे पास जो योजनाएं आती है वो आज के लिए आती है। आज हमें गाड़ी साफ करनी है, आज हमें खड़ंजा लगाना है, आज हमें इंटरलॉकिंग लगानी है, आज पेयजल के लिए टंकी का रोड कराना है, आज हमें अपने मकान के लिए मकान नंबर करवाना है, हाउस टैक्स जमा। लेकिन 20-30 साल बाद राज्यों में क्या होगा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने सपना देखा है सर, कर दीजिए गाड़ियों को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का कार्य नवंबर में पूरा होने जा रहा है। इससे लखनऊ के लोगों को मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय विधायक श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री योगेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, माननीय विधायक श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री राम कल्याण जी, पहले तो मैं जो 110 हमारे बधाई देता हूँ। और जो हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं, जैसे कि पार्कों का सुंदरीकरण है, रोड है, नाले हैं जो गंदे हैं, उनको हमें सफाई करवा कर एक आदर्श वार्ड बनाने का हम काम करेंगे और लखनऊ नगर निगम का नाम रोशन करेंगे। सर क्या कहते हैं? बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ शारदा नगर क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने कम उम्र के मेरे बेटे को इस वार्ड का पार्षद बनाने का काम किया है। जैसा कि हिमांशु के मन में है कि शारदा नगर को एक आदर्श वार्ड बनाया जाए, तो हम लोग भी इसमें पूरी प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह शारदा नगर में सफाई और जो जल भराव की समस्याओं से निजात दिलाया जाए और शारदा नगर को एक खुशहाल वार्ड बनाने का प्रयास किया। ठीक है, के लिए हम लोगों ने कार्य योजनाएं पहले तैयार कर ली थी, क्योंकि हमारा पार्षद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे युवा पार्षद है, 22 साल की उम्र का, तो हमारी कार्य योजनाएं भी पहले से तैयार हैं और कार्य योजनाओं के साथ ही हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा है, 39,000 वोटर का क्षेत्र है, तो समस्याएं बड़ी भी हैं, ये सुनियोजित तरीके से उनका निवारण किया जाएगा। बस आगे क्षेत्र में काम करना है, जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना है, लड़कियों से मेहनत करनी है, सबका यही विकल्प है। आज शपथ भी यही हुई है,
आने वाले वक्त में जो हमारे लोगों की वार्डों की मूलभूत समस्या है उसको जो लोगों ने काम किया उसको आगे बढ़ाएं, जनता की सेवा करें, जनता को संतुष्ट करें और फिर नेक्स्ट चुनाव में कोई भी होता है तो देखते हैं क्या करना होगा। क्या कहना चाहेंगे आगे, क्या प्राथमिकताओं में होगा अपनी वोट को लेकर? प्राथमिकता सिर्फ जनता की सेवा करनी है जिनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना है। जैसे करते आए हैं हमारे बड़े भाई कामरा ने 6 बार के पार्षद हो गए, मैं 4 बार का पार्षद हो गया और जितनी बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है सबके लिए सेवा भाव से। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे लखनऊ को नंबर 1 लाने का, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश का आईना है लखनऊ, और जब हम यहाँ पर सुधार करेंगे तो यहाँ से लोग जो सीख के जाएंगे सीखेंगे वो अपने यहाँ भी लागू करेंगे और स्वच्छ वातावरण बनेगा, यहाँ से पूरी संदेश लेके जाएंगे। तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे कि लखनऊ हमारा स्वच्छ हो और नंबर 1। देखिए आज शपथ ग्रहण, आज शपथ ग्रहण हम लोगों ने शपथ ली है और ये शपथ, ये गौरव मिलने का मुझे जो है मेरी जनता का और मेरे कार्यकर्ताओं का उसको पूरा किया जाता है, जिनकी वजह से ये मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। और मैंने जो है इससे पहले मेरी पत्नी स्नेहलता राय जी किन्हाटी पार्षद थी, उन्होंने काम किया था, उन्हीं के उससे जो है आगे जो भी कार्य बचे हुए हैं उसको मैं पूरा करने का कार्य करूंगा। जनता के बीच में कार्य किया है, कार्य करेंगे अपने वरिष्ठ नेतृत्व के प्रेरणा से अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का कार्य। भावी महापौर सुषमा खरकवाल जी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज लखनऊ विकास की गति पे आगे बढ़ेगा, विकास की गंगा बहेगी और भावी मेयर सुषमा खरकवाल जी लखनऊ को और खूबसूरत और सुंदर अच्छा बनाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो क्लीन लखनऊ स्मार्ट लखनऊ बनाने की बात कितनी पूरी होगी? मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमारी पार्षद चुनाव जीत के आए हैं और जनता को इनसे पूरी उम्मीद है कि ये एक एक काम अपने अपने वार्ड में अच्छी तरह से करेंगे, इसमें मुझे रत्ती भर संदेह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है, जो स्मार्ट सिटी का सपना है, ये हमारा एक एक पार्षद पूरा करेगा, इसमें मुझे रत्ती भर संदेह नहीं। आज लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, लखनऊ नगर निगम में पहली बार इतना मतों से जनता ने सुने और आशीर्वाद लेकर 2 लाख से अधिक मतों से माननीय महापौर जी को निर्वाचित किया। साथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत 80 से अधिक पार्षद जीत करके आए हैं और लखनऊ के लिए और लखनऊ के वासियों के लिए गौरव का काली क्षण है और ये जिम्मेदारी भी है, इसकी सेवा और समर्पण करके इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास माननीय पार्षद का महापौर जी के नेतृत्व में, पूर्व विद्याधिकारी जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे देश के यशस्वी और जिस लोक नेता मोदी जी के नेतृत्व में इस जनता का सेवा। भदोही से मतलब लखनऊ के शपथ ग्रहण में भदोही से आप आई हो? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्लीकेशन दिया था, परिवारिक मैटर है, जमीनी झगड़ा हुआ, मेरे बड़े पिताजी ने कब्जा आज 10 साल से किया है, हम लोग को अच्छा यहाँ पर मतलब शिकायत करनी है, तो मैं सुनना शपथ ग्रह है लखनऊ में गोपी नगर में आया। अच्छा तो यहाँ आ गई, तुम शिकायत करना है, कोई पत्र है? हमें न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।